जब भी नॉमिनेशंस आते हैं सबको सुंबुल काफी इजी टारगेट लगती हैं, क्योंकि नॉमिनेट कर दो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाहर तो होंगी नहीं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। इस वक्त ताबड़तोड़ बिग बॉस की खबर सामने आई है विद प्रोमो, मैं आपके सामने लेकर आई हूं। जी हाँ, देखिए प्रोमो नहीं, माफ कीजिएगा, लाइव फीड इस वक्त जो है उसमें दिख रहा है क्लियरली कि सुंबुल को लेकर क्या कुछ विकास का कहना है और एक बार फिर से सुंबुल को टारगेट किया जा रहा है। चाहे कोई मुद्दा हो ना हो, कभी ऑपोजिट टीम वाले आपके तरफ मतलब सुंबुल की तरफ वार करे ना करे, कई बार सुंबुल खुद भी जो है अपने ही ग्रुप के लोगों से वो पूरा वार जो है वो बर्दाश्त कर रही होती हैं, सह रही होती हैं। सो इस वक्त मैं आपको बताने आ गई हूं कि सुंबुल तौकीर खान को लेकर यही बात सामने आई है। जी हाँ, विकास साजिद से सुंबुल के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये देखिए। और जो खाना खिलाते हो वो छोड़ के चले जाना, अपने आप बनाओ। अब हाँ, इंसान ये कोई चीज नहीं होती है भाई। सो यहाँ पर आप क्लियरली आपने देखा कि सुंबुल वर्सेस विकास जो है वो है, खाने को लेकर ये मुद्दा हुआ है, खाने को लेकर ये लड़ाई हुई है। ये बवाल, ये प्रोमो जो है इस वक्त काफी वायरल हो रहा है और सुंबुल वर्सेस अगेन, जैसा मैंने कहा कि सुंबुल वर्सेस विकास है। विकास ने कल के पूरे एपिसोड में भी सुंबुल वर्सेस विकास हुआ था, कल के पूरे एपिसोड में भी सुंबुल और विकास की लड़ाई हुई थी, जहां पर नॉमिनेशंस और राशन दोनों की प्रक्रिया साथ में हुई और इस प्रक्रिया के दौरान सुंबुल जाना चाहती थी लेकिन सुंबुल को जाने को नहीं मिला। विकास, सुंबुल, सृजिता, इन तीनों में आपस में बहस होती रही जिसके वजह से ये तीनों ही लोग नॉमिनेट हो गए। जी हाँ, एनी विच वेज अगर ये एक दूसरे को मतलब ये अगर इन्हें वैसे भी नॉमिनेशंस में अगर नहीं कोई और नॉमिनेट करता तो भी सजा के चलते ये जरूर नॉमिनेट हो जाते। बट हाँ, सुंबुल का जो हाल घर के अंदर हो रहा है वो वाकई हैरान करने वाला है। कल भी हालांकि वो खुद के लिए उन्होंने काफी स्टैंड लिया, खुद के लिए वो काफी ज्यादा वो लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं लग रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त विकास जो है सुंबुल को लेकर कहते हैं कि इसका घर में वैसे भी कोई वजूद नहीं है। सुंबुल ट्राइज टू मेक हिम फील बैड बाय रिमाइंडिंग दैट शी इज अ टीनेजर, लेकिन विकास जो है वो उसके बावजूद सुंबुल के साथ बदतमीजी करते रहे। देखिए, यहाँ पर हर चीज आप बदतमीजी पर नहीं कर सकते, चाहे लड़की के साथ हो लड़के के साथ हो, दोनों अगर लड़ रहे हैं, दोनों लड़ेंगे, दोनों भिड़ेंगे, दोनों गाली गलौच होंगी, दोनों तरफ से कही जाएंगी चीजें, तो यहाँ पे लड़का लड़की का एंगल नहीं है। बट हाँ, बात इतनी जरूर है कि अब सुंबुल अपने मुद्दे खुद रखती नजर आ रही हैं, अपनी लड़ाइयां खुद लड़ती नजर आ रही हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती ऐसा लगता है।